कल आफ्टरनून में मेरे मन में ये ख्याल आया कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए कि एक अच्छी पत्नी, मतलब कि एक अच्छी बीबी वर्सेस एक अट्रैक्टिव बीबी, दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन रहेगी। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा इस विषय में और रात को भी मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि यार कल वीडियो बनाना है। और आप मानेंगे नहीं कि सपने में भी मुझे इसी बारे में ही कुछ विचार आ रहे थे मन में। मतलब सपने में अपना कंट्रोल तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो सपना देखा उसमें भी इसी टॉपिक से रिलेटेड ही सपना आ रहा था मुझे, इतना मैंने सोच लिया था इस बारे में। तो काफ़ी सोचने के बाद हम लोग मिलकर आज पता लगाएंगे कि एक अच्छी बीबी या फिर एक सुंदर, जो बहुत ही अच्छी दिखने वाली बीबी और एक अच्छी नेचर वाली बीबी, दोनों में से कौन आपको पसंद ज़्यादा आ सकती है, कैसी बीबी आपको मिलनी चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे मेरे घर के पास जो शर्मा अंकल के लड़के रहते थे, जब उनकी शादी हुई उससे जस्ट पहले वो कम से कम एक या दो घंटे हमारे ग्रुप में स्पेंड करते थे। तब उनकी जॉब थी, लेकिन शाम के समय नल्लागिरी करते थे हमारे साथ खड़े होते थे, ऐसी इधर उधर की बातचीत करते थे, सिगरेट फूंकते थे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो गई और वो हनीमून मना के आए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव थी, बहुत हद से ज़्यादा सुंदर थी। जब उनकी शादी हुई उस रात जब रिसेप्शन था, तब एक भी बंदा ऐसा नहीं था पूरे रिसेप्शन में जिसने उनकी पत्नी को विजुलाइज़ नहीं किया हो, क्या सुहागरात पे इनके साथ क्या क्या होगा। बोला किसी ने नहीं, पर सबकी नज़रें उनकी पत्नी पर ही थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वो कहते हैं ना, टोटा टाइप थी बिल्कुल। तो इसलिए भैया की शादी हुई और फिर वो ग्रुप में आना बंद हो गए। तो लोग यही कहने लगे कि यार ये जो भैया हैं, जो महेश भैया हैं, ये तो बिल्कुल बोलते हैं कि अपनी पत्नी के रसिया बन गए हैं। मतलब कि अब हमारे पास तो हमारे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं है, ये तो जोरू के गुलाम बन गए हैं। और मैंने देखा कि बहुत बहुत सालों तक वह अपनी पत्नी के गुलाम या रसिया बने रहे, लेकिन उसके बाद एक डेढ़ साल बाद उनकी पत्नी से उनका झगड़ा भी होने लगा। वही प्यारी दिखने में बड़ी सुंदर पत्नी जो थी, जिनकी हर बात वो मान ले रहे थे, लेकिन एक या डेढ़ साल बाद भयंकर झगड़े हुए और आप मानेंगे नहीं कि 3 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो ये एक सैड स्टोरी थी, रियल स्टोरी हमारे पड़ोसी की। और मेरी कज़िन है, वो भी दिखने में बहुत सुंदर, दिखने में एकदम मतलब अद्भुत सुंदर थी। और मैं जानता हूँ कि वो कितने ही लड़कों के साथ घूमती थी, मेरी कज़िन थी, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकते थे यार। हर दिन मतलब हर कुछ 5-6 महीने के बाद एक नए लड़के के साथ दिखती थी, और वो श्योर नहीं थी कि किसके साथ शादी करेंगी। तो वो कुछ ऐसा गलत नहीं करती थी, पर उनका वो लाइन मुझे याद आता था, उन्होंने मुझे बताया था, खुद मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि जीवन में इमोशनल फ्लर्ट बनो, रियल फ्लर्ट मत बनो, लोगों की भावनाओं से खेलो। और वो खेलती रही, लेकिन शादी जब उन्होंने की तो उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे, वो दिखने में यार जीजाजी एकदम बेकार थे यार, पर क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर थे तो वो बहुत खुश थी शादी में। और जब शादी हो रही थी तो वो खुद ही डांस कर रही थी बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे थे कि देखो यार दुल्हन कितनी डांस कर रही है, क्योंकि हस्बैंड इनका गवर्नमेंट जॉब में है, आईएएस ऑफिसर है, इसलिए दुल्हन इतनी हैप्पी है कि खुद ही डांस करे जा रही है। दिखने में इतनी सुंदर और हस्बैंड मतलब कि दिखने में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर उनका जीवन जो है बड़ा हैप्पी रहा और बहुत खुश है आज वो अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड भी खुश, वो भी खुश। लेकिन
हमें ये समझना है कि पत्नी अगर आपको आपके जीवन में चाहिए तो क्या वो दिखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए या उसका जो नेचर है वो काफ़ी एडजस्टिंग होना चाहिए, काफ़ी मिलनसार टाइप की, हसमुख टाइप की पत्नी होनी चाहिए। दिखने में शायद इतनी अच्छी ना हो तो भी चलेगी। इकोनॉमिक स्टेटस यानी पैसों की हम बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं कि लड़की बहुत अमीर घर से होनी चाहिए या इतनी अमीर नहीं होनी चाहिए जिससे इजीली आपके परिवार में एडजस्ट हो जाए। ये टॉपिक हम अभी, ये जो स्पीयर है इसको डिस्कस अभी नहीं करते हैं, ये किसी और टॉपिक पे मैं आपको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा पैसों के बारे में। लेकिन आज हम लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा चरित्र के बारे में बात कर लेंगे, उनके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आई एम श्योर इतनी भूमिका मैंने बांध दी है तो आपको इंटरेस्ट है इस विषय में, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। आपके भाई का चैनल है, इतनी रिसर्च करके रात भर सपने भी देखे मैंने, दोपहर से कल सोच रहा हूँ, पूरा एक दिन इस टॉपिक पे लगाया, तो यार इतना तो गिफ्ट आपकी तरफ से चाहिए आपके भाई को कि एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, एक लाइक तो बनता है ना? ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग टॉपिक यानी मुद्दे पर आते हैं। एक जो औरत है उसका सुंदर दिखना शायद बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सुंदर दिखती है तो फिर उसके लिए रिश्ता कोई बहुत अमीर घराने से, कोई बिजनेस परिवार से भी आ सकता है। कितने सीरियल्स हम देख रहे हैं ना जिसमें एक गर्ल नेक्स्ट डोर है और राजपुतानों के घर से, राजा रजवाड़ों के घर से उसके लिए रिश्ता आ गया क्योंकि लड़के ने उसे पसंद कर लिया, तो उस लड़की की तो लाइफ सेट हो गई। गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिसर जो है, इतनी मेहनत से वो आदमी IAS बनता है और फिर वो उस लड़की के सामने नतमस्तक हो जाता है क्योंकि दिखने में वो बहुत बहुत सुंदर है। तो अगर दिखने में सुंदर है तो शादी में प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं है। पर यार आप तो कोई IAS ऑफिसर थोड़ी ना हो, आप तो कोई गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ना हो, आप कोई बड़े बिजनेसमैन थोड़ी ना हो, अपन लोग तो नॉर्मल लोग हैं। फिर नॉर्मल लोगों के पास भी चॉइसेस आ सकती है। कोई ऐसी लड़की है जो बहुत सुंदर है लेकिन थोड़े गरीब परिवार से है, जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, बेचारी को कोई रिश्ता आया ही नहीं है और उसको आप पसंद आ गए पहली बार अरेंज मैरिज में, या कॉलेज में आपने, आप शिकारी टाइप के हो, आप दिखने में बहुत स्मार्ट और नल्ले टाइप के हो तो क्या हुआ? स्मार्ट तो हो दिखने, मेरे सब्सक्राइबर हो तो स्मार्ट ही होंगे, सारे टिप्स आप फॉलो करते हो, ब्यूटी के टिप्स भी मैंने दिए हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, ये देख देख कर ये आप बिल्कुल स्मार्ट हो गए हो। तो अगर नहीं देखे तो बाकी वीडियो देखना, मैं बहुत सारे मैंने एक्सप्लेन किया स्मार्ट कैसे दिखे, यंग कैसे दिखे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आपने कोई फास्ट ली है सुंदर लड़की, देखो ऐसा है ना कि जो मछलियाँ बड़े बड़े जालों को पार कर जाती है ना, वो छोटी छोटे जाल में फंस जाती है। तो लड़कियाँ कभी कभी बहुत सुंदर होती है, फिर वही लाइन लोग कहते हैं ना कि देखो लंगूर के हाथ अंगूर लग गई ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर किस्मत भी होनी चाहिए ना उसमें, तो ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन देखिए शबाना आज़मी जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अर्थ मूवी में ये लाइन कही है, जब उनके पति उनको छोड़कर स्मिता पाटिल के पास चले आते हैं। स्मिता पाटिल जो है इस मूवी में एक त्रिया चरित्र वाली औरत दिखाई गई है, जो अपने पल्लू को गिरा के लटके झटके दिखा के मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तब वो कहती है कि शबाना आज़मी जी का डायलॉग है कि देखिए ये एक औरत को अलग अलग रूप धरने पड़ते हैं जीवन में, कभी माँ का रूप, कभी बेटी का रूप, कभी सहेली का रूप, कभी प्रियसी का रूप, लेकिन वही औरत अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रख पाती है, आकर्षण मेंटेन कर पाती है, जो बिस्तर में एक रंडी का रूप लेती है,
एक बिगड़ेल औरत का रूप लेती है। तो ये बात उन्होंने कही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी पत्नी दिखने में बहुत सुंदर है तो वो एक खुली तिजोरी की तरह है, आपने तो तिजोरी को खोल दिया सुहाग रात पर, उसके बाद जो है आप अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं। आजकल फेसबुक पर हम क्या देख रहे हैं, आपके जो भैया हैं, मैं कुछ गलत आपके मन में नहीं डाल रहा हूँ, पर जो चल रहा है सोशल मीडिया में वो आपको बताना ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं ना कि बिना आग के तो धुआं उठता ही नहीं है, तो अगर बिना आग के कोई धुआं उठता ही नहीं है तो कोई तो सच्चाई होगी इसमें। भाभी और देवर का रिश्ता बहुत बहुत बदनाम होता है, तो आप छोड़ के जा रहे हो कोई कामुक टाइप के, बदमाश टाइप के, आपके भाई है कोई कज़िन है, कोई फ़ायदा नहीं उठा ले। इतने डिलीवरी वाले भाई आ रहे हैं सुबह से, दूध देने आ रहे वाले भैया आ रहे हैं, दूध पी पी के एकदम गोरे और स्मार्ट दिखते हैं, वो कहीं नज़र न डालते। प्रेस वाले भैया प्रेस कर कर के उनकी ट्राइसेप की और बाइसेप की मछली बन चुकी है, एकदम उभरे हुए बाइसेप है, कहीं आपकी वाइफ उनकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो जाए। तो ये बात है कि यार फिर तो बदनामी बहुत हो जाएगी, समझो आप बात को, आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि आप तो ऑफिस में अपने बिजनेस में आपने तो सोच लिया कि यार मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर ले आया हूँ मैं, मैंने तो किला फतेह कर लिया, कहीं वो आपके राज्य पे, आपकी प्रॉपर्टी पे आपने तो रजिस्ट्री कर ली, कहीं कब्जा ना हो जाए। सुंदर बीबी के होने से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन एक ज़्यादा सुंदर बीबी नहीं है, दिखने में ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम चुड़ैल ले आओ आप, एकदम डाकन ले आओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिखने में थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक ठाक आप लाते हो, तो उससे फ़ायदा ये भी है ना कि नेचर उनका बहुत अच्छा है, तो वो आपकी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगी, उनका जो है ज़्यादा ईगो नहीं होगा, वो एकदम मतलब ऐसा सोचेगी नहीं कि वो हॉटी टाइप की नहीं होगी, हॉटी मतलब HAUGHTY, हॉटी मतलब वो सुपीरियर फील नहीं करेगी, HOTTI की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉटी तो होनी चाहिए वाइफ थोड़ी थोड़ी, लेकिन हॉटी टाइप नहीं होगी, उनमें बहुत घमंड नहीं होगा, तो सबसे एडजस्ट करके चलेगी, सबसे निभाएगी, हसमुख टाइप की होगी। लेकिन अगर बहुत सुंदर टाइप की, टोटा टाइप की ले आओगे तो फिर वो किसी की सुनेगी नहीं, आपकी भी नहीं सुनेगी, आपको अपने चरणों पर रखेगी। तो वही बात है ना कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो अगर वो पत्नी आपको मिल गई है जैसा आपने सोचा था तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। ज़्यादा सुंदर लाओगे तो तकलीफ़ है, दूसरों की नज़र से बचाना मुश्किल है, थोड़ी ओके वाइफ ही लाना अच्छा रहता है, इजीली एडजस्ट हो जाएगी, लोग देखेंगे भी नहीं, बुरी नज़र भी नहीं डालेंगे। तो ये बात आपको समझना है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, बहुत सुंदर लड़की को गर्लफ्रेंड आप बना सकते हो, लेकिन ऐसी ब्यूटी पार्लर कोई घर पे नहीं लाना चाहेगा, कि इसका 2-3-4-5 हज़ार का तो ब्यूटी पार्लर का ही बिल आ रहा है, और उसको उसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, उसको फिर रात को बहुत चाहिए, आप समझ रहे हो क्या चाहिए, वो सुंदर है, वो बहुत कामुक प्रवृत्ति की है। ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत सुंदर लड़कियाँ बहुत ठंडी होती है। मेरे को याद है यार कॉलेज में एक लड़का था हमारे, वो एक लड़की से बहुत बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बाद में एक दो बार उससे बात करी जब उनका कोर्टशिप चल रहा था, वो लड़के ने छोड़ दिया। मैंने पूछा यार ये तो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, तेरे को मिल गई थी तूने छोड़ दिया, बोले नहीं यार तो ठंडी है, ठंडी निकली। तो कहीं ऐसा ना हो कि दिखने में बहुत सुंदर पर बिस्तर पर एकदम ठंडी हो, तो फिर यार आपकी सेक्सुअल लाइफ में मुश्किल पड़ जाएगी। आपको तो हॉटी चाहिए, HOTTI वाली, HOUGHTY वाली नहीं, हॉटी मतलब सुपीरियर, और हॉटी मतलब हॉट लड़की होनी चाहिए।
ऐसी लड़की, ऐसी औरत चाहिए जिसका फिगर एकदम मस्त हो और वो बिस्तर पे आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर सके, है ना, ठंडी ना हो, एकदम हॉट हो, गर्म हो। तो बस यही बातें ध्यान रखना है, ज़्यादा सुंदरता पे नहीं जाना है, ज़्यादा रंग रूप पे नहीं जाना है, थोड़ा एक दाग हो तो भी चलेगा, चांद पे भी दाग है ना, लेकिन थोड़ी हॉट होनी चाहिए, थोड़ी एडजस्टिंग होनी चाहिए, आपसे आसानी से एसिमुलेट हो जाए इस तरीके की होनी चाहिए, ज़्यादा घमंडी नहीं होनी चाहिए। सुंदर होगी तो घमंड खुद ब खुद आ जाता है कि नहीं। तो जो भी टिप्स मैंने दी है आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स आपके साथ फॉलो करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।